मोजस खुदन हजरात रिबोट और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी दौरे जदीद की ईजाद हैं। रिबोट यानी एक ऐसा मशीनी स्ट्रक्चर जो दिया गया काम खुश असलूबी से करे। कंप्यूटर जो लोगों की मालूमात और टाइम टेबल को मैनेज रखे और साथ इंटरटेन भी करे। हम जानते हैं कि जिस तरह सेब गिरा और गोरे को कायनात की सबसे बड़ी हकीकत कशिश शक्ल बैठे बैठे मालूम हो गई, कतई नजर इसके कि 1000 साल कबल अब्दुल रहमान अल खाजनी, अल राजी, इब्न सीना, इब्न अल हसम और अब्दुल रहमान सूफी इस टॉपिक पर कितनी अर्क रेजी करके गए हैं। इसी तरह रिबोट और कंप्यूटर का ख्याल भी किसी गोरे को बस यूं ही बैठे बैठे आया होगा। आप खुद सोचिए कि एक बंदे के घर में भूख नाच रही हो और फिर एकदम अचानक वो लैंड क्रूजर और बंगले खरीद ले तो उसका क्या मतलब है। मेरे ख्याल से इसका मतलब यह है कि खुदा ने उसको छप्पड़ फाड़ के नहीं दिया बल्कि उसने किसी गरीब का छप्पड़ फाड़ा है। अभी 15वीं-16वीं सदी में यूरोप में साइंस की कोई अबारत पढ़ना जुर्म था, फिर एकदम से यूरोप के पास इतना इल्म कहां से आया कि महज 3 सदियों में यूरोप ने इजादात का समंदर उगल दिया। हालांकि थ्योरीज और प्रैक्टिकल ट्रायल एंड एरर का खेल है, इसमें सदियां लगती हैं। खैर खुदन हज़रात, 1000 साल कबल 12वीं सदी ईस्वी तक मुस्लिम तहजीब उस दौर के हिसाब से इस कदर एडवांस हो चुकी थी कि अजीम मुसलमान साइंसदान अल जजरी ने दुनिया का पहला रिबोट ईजाद किया। जी हाँ, पहला रिबोट अजीम मुसलमान साइंसदान अल जजरी ने ईजाद किया। नाजरीन, ये रिबोट एक डब्बे की सूरत में था जिसके ऊपर मोर बैठा हुआ था और हर 7 मिनट के बाद एक खादमा हाथों में शरबत या पानी का गिलास लिए उस डब्बे में से नमूदार होती थी। नाजरीन, इसी तरह अल जजरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसी रिबोटिक कश्ती ईजाद की जो पानी में खुद कार मैकेनिज्म से चलती थी और उसमें बराती टाइप रिबोट इंतहाई खूबसूरती से सजाए गए थे। जो जो कश्ती का मैकेनिज्म कश्ती को आगे बढ़ाता वो रिबोट मौसीकी की धुनें पैदा करते। इसी तरह अल जजरी रहमतुल्लाह अलैह ने एक ऐसा रिबोट भी ईजाद किया जो वॉशरूम के बाद साबुन और तौलिया पेश करता था। याद रहे, 9वीं सदी ईस्वी में साबुन मुस्लिम साइंसदान मोहम्मद जिक्रिया अल राजी ने ईजाद किया था और अल जजरी के दौर तक शाम, मिस्र और इराक में साबुन साजी के बड़े बड़े कारखाने मौजूद थे। खत्म जरात, अल जजरी की तमाम रिबोटिक टेक्नोलॉजी हाइड्रोलिक पावर से चलती थी, यानी पानी और हवा को वैक्यूम करके मशीनी मैकेनिज्म को चलाना। मोजस खुदन जरात, अल जजरी रहमतुल्लाह अलैह ने कई किस्म के रिबोट, घड़ियां, रिबोटिक इंसानी वजूद, रिबोटिक दरवाजे और बेशुमार चीजें ईजाद की जिनमें कुछ का मैकेनिज्म जो है वो बहुत पचीदा भी था। उनमें एक हाथी रिबोट भी शामिल था जो हर घंटे बाद आवाज निकालता और उस पर बैठा महावंत ढोल बजाता था। नाजरीन, बिलाशुबा अल जजरी दुनिया के पहले रिबोट के मौजूद थे। उन्होंने पानी और हवा के प्रेशर से चलते फिरते हरकत करते मशीनी वजूद ईजाद किए जिस पर उलमा की तरफ से उनके लिए हसबे मामूल फतवा खास भी जारी हुआ कि लोग तो खड़े बुत नहीं छोड़ते, अल जजरी उनमें हरकत और आवाज पैदा कर रहे हैं। ऐसी शैतानी इजादात उम्मत को बुत परस्ती की तरफ ले जा सकती हैं। नाजरीन, उलमा भी अपनी जगह तकरीबन ठीक थे लेकिन मेरे ख्याल से इसमें कोई खतरे वाली कोई खास बात नहीं थी क्योंकि कुरान और हदीस में वाज़े तौर पर बुत परस्ती को शिर्क कहा गया है। आप आज भी देख ले, उम्मत में शिर्क के उतने मरीज नहीं है जितने उसके मौलज और उस पर मजम्मत करने वाले इस वक्त मौजूद हैं। नाजरीन, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप हकीकी इस्लाम से कितना करीब हैं। एक तरफ इकबाल आधी जिंदगी यूरोप लगाकर आते हैं लेकिन मुसलमान रहते हैं और जबकि दूसरी तरफ हम में से कोई यूरोप जाए तो उसके मजहब से मुतल्लिक ख्यालात बदल जाते हैं। अल जजरी भी ठीक थे और उलमा के खदशात भी उस वक्त जायज थे। खत्म जरात, कुरूने उला जिसकी शानदार सियासी, समाजी, मुआशी और साइंसी चमक को बाद में कई मोरखीन ने मदर ऑफ सिविलाइजेशंस कहा, दुनिया का पहला कंप्यूटर भी इसी खूबसूरत दौर में इसी खूबसूरत गैलेक्सी में ईजाद हुआ। अल जजरी दुनिया के पहले कंप्यूटर के मौजूद भी हैं। 1000 साल कबल दुनिया का पहला कंप्यूटर मुसलमानों ने ईजाद किया। जी हाँ, उन्होंने 11 फीट ऊंचा एक कलानुमा स्ट्रक्चर बनाया जो चांद और सूरज के ऑर्बिटर के हिसाब से खुद कार अंदाज में टाइम को मैनेज करता जबकि उसके डैशबोर्ड पर दिल बहलाने का पूरा सामान मौजूद था जो किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह 24 घंटे ऑटोमेटिक काम करता था। उसके फ्रंट पर दरबारी म्यूजिक बजाने वाले रिबोट हर घंटे बाद म्यूजिक बजाते थे जबकि ऊपर हर घंटे बाद
एक खिड़की खुद ब खुद खुलती और एक रिबोट खादम हाजिर होता, जबकि इसी स्ट्रक्चर के दाएं और बाएं उकाब हमा वक्त मौजूद होते थे, जो घंटा पूरा होने के बाद अपने मुंह से सोने के सिक्के निकालते थे। इसके अलावा रात के वक्त ऊपर की तमाम खिड़कियां बंद हो जाती और नीचे सुराखों से हर घंटे बाद रोशनियां निकलती, जिससे वक्त के बारे में जाना जा सकता था। खुदंजरात जदीद साइंटिस्ट इसे एक एनालॉग कंप्यूटर मानते हैं, जिसके अंदर एक हाइड्रो पावर से चलने वाला दुनिया का पहला प्रोग्राम इंस्टॉल था, जो एक तरफ वक्त को खुदकार अंदाज में मैनेज करता तो दूसरी तरफ अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों का दिल भी बहलाता। मोजेस खुदंजरात डोनाल्ड हिल वो वाहद यूरोपीय रिसर्चर है जिसने अल जजरी की तमाम किताबें देखने के बाद एक हरफे आखिर इनकशाफ किया कि दौरे हाजिर में जितनी भी मशीनरी मौजूद है, चाहे वो किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखती हो, उनके अंदर अल जजरी के इजाद करदा आलात आज भी जदीद शक्ल में काम कर रहे हैं। मसलन कोनिकल वाल्व्स, यानी जिसे हम उर्फी आम में स्प्रिंग कहते हैं, रेगुलेटर्स, कॉस्टिंग, मटेरियल कम्बिनेशन, गरारी, ब्रेक्स, पिस्टन, नट बोल्ट, उसके बाद एक मशीन को बनाने के लिए मेथड्स और डिजाइन ऑफ फीचर्स की थ्योरीज, कुल मिलाकर अल जजरी को फादर ऑफ मॉडर्न इंजीनियरिंग और फादर ऑफ रिबोटिक टेक्नोलॉजी कहा जाता है। आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। खुदंजरात, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों के पास एक ही मैकेनिकल इंजीनियर था। वक्त के पेशे नजर हमने सिर्फ एक ही मुस्लिम इंजीनियर की काविशों को बयान किया है, जबकि अभी मूसा बरादरान और फताउल्ला शेराजी जैसे और दीगर मुसलमानों ने नॉलेज ऑफ मैकेनिक्स में क्या कारनामे सर अंजाम दिए, ये हम अगली वीडियोस में आपके सामने रखेंगे, अगर यूट्यूब ने हमारे इस सिलसिले को जारी रखने दिया तो। खुदंजरात, सवाल यह है कि अगर मुसलमान इस कदर शानदार तहजीब के मालिक थे तो इन्हें अल जजरी अल राजी के बजाय मिस्टर चिप्स क्यों पढ़ाया जा रहा है? मेरे भाइयों, खेल बहुत साफ है। शेरों के बच्चों को भेड़ों के रेवड़ में रखकर भेड़ बनाया जा रहा है। आप देखते ना कि इस वक्त मुसलमान 2 अरब से जायद हैं, लेकिन उनमें मगज वाले जदीद फिक्र की हामल और इस्लाम मुखालफ अफकारे बातला को इल्मी बुनियादों पर तबाह करने वाले कितने हैं? नाजरीन, हम क्यों छोटी से छोटी चीज के लिए यूरोपीय कुवतों के मोहताज हैं? क्योंकि हमें मोहताज बनाया गया है। खुदंजरात, मुझे नीचे कमेंट कीजिए कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी है वो आप पहले कितनी जानते थे। यकीन नहीं जानते होंगे, आप में से तो बाज इस इंफॉर्मेशन पर यकीन करने को तैयार ही नहीं होंगे। मेरे भाइयों, खेल को समझो। तुम्हारे हीरोज पर्दे पर नाचने वाले लोग नहीं, बल्कि शेरों के जिगर वाले, आहिनी सीनों के मालिक और जमीन पर बैठकर कायनात के आखिरी कोनों तक जुस्तजू का शौक रखने वाले कुरूने उला के मुसलमान तुम्हारे हीरो हैं। आओ मिलकर अपनी इस गुमशुदा दास्तान को हासिल की तलब बनाएं, और हमें अपनी आने वाली नस्लों के लिए ये सब करना होगा। नाजरीन, टॉप ऑफ टाइम सीरीज का 11वां चैप्टर आपको कैसा लगा? मैं आपके तमाम कमेंट्स पढ़ता हूँ बाकायदा तसल्ली से, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अपना बहुत